तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 16 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू ऐड मेंबर्स इन ग्रुप चैट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमें यहां पर मेंबर्स शो कराने थे, ठीक है, जो कि आपको यहां पर मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हर किसी ग्रुप के लिए यहाँ पर मेंबर्स होंगे जहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो मेंबर्स को, ठीक है, जब आप ऐड करना चाहते हो अपने तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें करना क्या होगा, बेसिकली हमें ऐड करने हैं मेंबर्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड लाइक इस तरीके से, ठीक है, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन ये होगी कि आप उतने ही मेंबर्स यहाँ से ऐड कर सकते हो जितने उस ग्रुप की लिमिट है। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो या आप बिल्कुल नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने व्यू तो क्रिएट कर ही लिया था, लाइक अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आई होप आपने क्रिएट कर रखा हो, नहीं कर रखा है तो मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका घाटा होगा इसमें, ठीक है। तो लाइक मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर हाँ बेसिकली एक एरर ये हमने मैसेज शो कराया हुआ है, मतलब एक मैंने स्पैन लगाया हुआ है जो कि मेरा बेसिकली एरर शो करेगा जो कि हमारे बैक एंड से आएगी, मीन्स जब हम बेसिकली राउट इट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है फॉर्म सबमिट होगा, तो एड मेंबर फॉर्म है, ठीक है, इसको हमें सबमिट कराना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कहाँ पर, पब्लिक के अंदर, और पब्लिक के अंदर जेएस, ठीक है। बट उससे पहले गाइस यहाँ पर हमें मेंबर्स ऐड करने की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर मेंबर टेबल भी तो बनानी होगी। मेंबर टेबल तो अभी बनी नहीं है हमारी, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करने वाले हैं जो कि मेंबर्स के लिए होगी पर्सनली। तो यहाँ पर हम इस टेबल का नेम रख लेते हैं लाइक मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो कॉलम्स आई थिंक ऐड करने होंगे, लाइक आईडी एंड ग्रुप आईडी, यूजर आईडी एंड आपका क्रिएटेड एट अपडेटेड एट होगा, तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम रहता है, ठीक है। तो एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर मैं आईडी रखूंगा जो कि 11 रहेगा इसके लेंथ, एंड देन यहाँ पर इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं प्राइमरी की बनी जाएगा। एंड यहाँ पर आपका आएगा ग्रुप आईडी कि किस ग्रुप आईडी से कौन सा यूजर अटैच्ड है, ठीक है, मीन्स किस में वो अवेलेबल है ग्रुप आईडी के अंदर, ठीक है। इसका एंटी रहेगा और यहाँ पर भी हम इनकी लेंथ जो है 11 रख देते हैं क्योंकि ग्रुप आईडी एंड यूजर आईडी इज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्रिएटेड एट रखेंगे एंड लास्ट वन इज अपडेटेड एट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प रख लेते हैं इनको, टाइम स्टैम्प, एंड यहाँ पर हमें करंट टाइम स्टैम्प रख लेते हैं बाय डिफॉल्ट जो इसका होगा, एंड इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल है, ये हमारी जो है टेबल होने वाली है मेंबर्स के लिए, पर्सनली मेंबर्स के लिए होगी। यहाँ पर ग्रुप आईडी एंड यूजर आईडी डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, किस ग्रुप आईडी में कौन सा यूजर होगा, दोनों रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पर हम आते हैं मॉडल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज ऑलवेज, आप जानते होंगे मेंबर मॉडल होगा, एंड मेंबर मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया है, मेंबर मॉडल आपको पता चल जाएगा। लाइक अगर आप मेंबर मॉडल के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो लाइक फिल लेवल वगैरह हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यार कर देना चाहिए जब आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी तो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल एंड आपका एरे होगा, एरे में लाइक आपने अपना बेसिकली ये वैल्यूज प्रोवाइड कर, बेसिकली कॉलम्स नेम प्रोवाइड कर दिए, ग्रुप आईडी हो गया एंड सेकेंड वन इज आपका यूजर आईडी, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें इंसर्ट कराने ही होंगे, तो यहाँ पर ये मैंने अपना मॉडल जो है यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को करना है क्या, बेसिकली हम कहाँ पर आना है, हमने यहाँ पर नीचे आना है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा यहाँ पर हमने डायनेमिक तरीके से मीन्स एचटीएमएल में अपेंड करा करके हमने इनपुट शो कराए थे, जो कि अभी आपको ये इनपुट्स आते हैं ना, ये वाले इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके तभी शो होते हैं तब यहाँ पर बेसिकली ये हमारा राउट चलता है और ये हमारे मेंबर्स लेकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर्स आईडी आ ही रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, ये किसका चल रहा है बेसिकली चेक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर जो इसको लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करके, ठीक है, ध्यान नहीं रहता इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें इस फॉर्म को सबमिट होने पर चेक करना होगा, ठीक है। तो डॉलर अभी ये देखिए मैंने राउट वगैरह तो क्रिएट नहीं किया, अभी हमें क्रिएट करना होगा, बट उससे पहले हम ये चीज़ें कर लें जो हमारी फॉर्मेलिटी है इसकी, ठीक है। तो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, फॉर्म सबमिट होने पर पेज रिफ्रेश ना हो। एंड यहाँ पर अब हमें करना है क्या, बेसिकली हमें वो बेसिकली अपना फॉर्म का डेटा लेना है जो कि हमें ये चेक बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है, चेक बॉक्सेस जो है ना ये, ठीक है, इनको हमें यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। कैसे लेंगे,
यहाँ पर मैं डॉलर दिस डॉट सीरियलाइज कर लेंगे, ठीक है, सीरियलाइज। मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म डेटा सीरियलाइज कर लिया है, फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर बेसिकली आपका फॉर्म डेटा तो है, एंड आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ग्रुप आईडी वगैरह नहीं सेट किया, ठीक है, चलो चेक कर, नहीं सेट किया है ये रहा, ठीक है, ये सेट किया हुआ ना, ये मैं यही बता रहा था, ठीक है। तो हमने ये जो सेट किए हैं आईडी एंड लिमिट, ये हमें नीड पड़ेगी लेने की, मीन्स लेने की नीड तो नहीं है, बेसिकली हमारा फॉर्म के अंदर जा ही रहा है, ठीक है। तो हमने फॉर्म डेटा सीरियलाइज कर ही लिया, उसके अंदर आ ही जाएगा। तो डॉलर डॉट एजेक्स एंड यहाँ पर आपका यू आर एल जाएगा, यू आर एल अभी हम देखेंगे कि क्या बनाना है हमें। सबसे पहले हम टाइप यहाँ पर रख लेते हैं, टाइप हमारा पोस्ट रहेगा, एंड यहाँ पर डेटा में आपका फॉर्म डेटा जाएगा, फॉर्म डेटा, एंड आपका सक्सेस चलेगा, आपका सक्सेस कॉलन फंक्शन, एंड फंक्शन में आपका रेस्पॉन्स होगा। रेस्पॉन्स देखिए या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों ही एक चीज़ हो सकती है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, लाइक आर ई एस डॉट सक्सेस होगा। तो यहाँ पर हम वो काम कराएंगे जो हमें करवाना है, एल्स में हम क्या करेंगे जब हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एरर मैसेजेस होंगे, मींस जो आपके एरर आ रहे होंगे, लाइक थ्रो हो रही हो एरर या कुछ भी हो, लाइक हम फॉल्स तरीके से, मतलब हम कस्टम एरर भेजेंगे जो कि वो भी फॉल्स के अंदर जाएंगी, मींस एल्स के अंदर जाएंगी। तो हम इसके अंदर सेट करा देंगे डॉलर हैज एंड एड मेंबर एरर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वो एरर सेट करानी है, तो एज अ टेक्स्ट हम सेट कराएंगे, लाइक आर ई एस डॉट एम एस जी करके हमें की भेजेंगे, ठीक है। अब हम इस मेंबर को, सॉरी इस एरर को शो करा तो लेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में हाइड भी कर देंगे, ठीक है, मीन्स हटा देंगे। लाइक फंक्शन, एंड फंक्शन में मैंने यहाँ पर दे दिया सेट टाइम आउट, लाइक 3000 दे दिया मैंने, ठीक है, समथिंग जो भी आपको सही लगता है वो आप दे सकते हो। एंड देन मैंने क्या किया, एड मेंबर टेक्स्ट को कर दिया एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको एम्प्टी, ये एम्प्टी हो जाए, ठीक है, 3 सेकंड बाद। अभी यहाँ पर जब ये सक्सेस हो जाता है तो हम क्या चाहेंगे, लाइक ये जो हमारा मॉडल है वो हमारा क्लोज हो जाए, ठीक है। तो हमारे मॉडल की जो आईडी है वो यहाँ से हम उठा लेते हैं, लाइक मेंबर मॉडल, मेंबर मॉडल लाइक हैज डॉलर, सॉरी हैज मेंबर मॉडल डॉट मॉडल, एंड हाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम। अब यहाँ पर आपका मॉडल हाइड हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, लाइक अभी देखा हो, लाइक मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से लाइक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, लाइक जब भी हम ऐड मेंबर करेंगे तो हमारे यहाँ पर चलेगा बेसिकली ये। तो अभी हमारा फॉर्म सबमिट, मतलब वो अभी हमने सेव नहीं किया। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारा फॉर्म का जो डेटा है वो रीसेट हो जाए, लाइक ये जो है ना हमारा फॉर्म, ये जो है रीसेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 0.reset, ठीक है, तो ये रीसेट हो जाएगा। एंड लाइक आप यहाँ पर एक अलर्ट करा सकते हो, हम जो मैसेज भेजेंगे वहाँ से कि आपका मेंबर्स एडेड हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम राउट क्या रखने वाले हैं, लाइक मैंने रख लिया एड मेंबर करके, ठीक है, इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो राउट्स के अंदर चलते हैं, राउट्स राउट्स एंड वेब डॉट पी एच पी, और हम आ जाते हैं यहाँ पर लाइक गेट मेंबर्स चल रहा है, सेम थिंग को मैं कॉपी करता हूँ एड मेंबर्स के लिए, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले मैं राउट चेंज कर लेता हूँ, लाइक ये होगा ऐड मेंबर्स, एंड यहाँ पर आपका होगा गेट मेंबर्स नहीं, यहाँ पर ऐड मेंबर्स, एंड यहाँ पर आपका और चलेगा ही चलेगा एंड ऐड मेंबर्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर हमें जो लॉजिक लिखना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में ही हूँ, सबसे पहले मैं अपना मेंबर मॉडल जो है यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नेम था बेसिकली मैं यहाँ पर कॉपी करके रखना था, इसलिए मैं यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर रख लेता हूँ मेंबर मेंबर, ठीक है, इसको मैं जस्ट यहाँ से कट करता हूँ। मेंबर मैंने मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, मींस यूज कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे को लाइक सेम मेरे को इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को ट्राई कैच चाहिए हुआ, कॉपी पेस्ट से हमारा टाइम बचता ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं एड मेंबर्स, ठीक है, इसको मारते हैं गोली, एंड जो भी आपका सक्सेस फॉल्स होगा, मींस आपकी जो थ्रो होगी एरर, वो आपका यहाँ पर चला जाएगा और आपका एक उसमें टेक्स्ट में शो करा देगा जो भी एरर मैसेज रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे कुछ कस्टम एरर मैसेजेस रह सकते हैं, लाइक मान के चलिए
मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया बिना सिलेक्टेड किए हुए, ठीक है? तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे को चेक करना होगा, तो लाइक मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ लाइक। हालांकि आप फ्रंट एंड साइड पर भी लगा सकते हो वैलिडेशन, जब आपका चल ही रहा है तो चलो कोई नहीं, वैकेंट पर भी लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चेक करना होगा इस सेट मीन्स यहाँ पर हम चेक करेंगे डॉलर रिक्वेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि उसका नेम क्या है, नेम है बेसिकली आपने यहाँ पर दिया है ना सिंपल इनपुट के अंदर मेंबर्स, ठीक है? अब ये मेंबर्स को हमें चेक करना होगा कि ये रिक्वेस्ट के अंदर मेंबर्स आ रहा है या नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर इस सेट मीन्स वो सेट है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट, नॉट इस सेट मतलब कि वो सेट नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिटर्न देंगे, रिटर्न सक्सेस फॉल्स दे देंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा फॉल्स हम देंगे तभी तो वो एरर शो होगी, मीन्स एल्स का चलेगा ब्लॉक, ठीक है? एंड यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं लाइक यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया समथिंग प्लीज सिलेक्ट एनी वन मेंबर, ठीक है? मैंने यहाँ पर ये जो है मैसेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? अब मान के चलिए आपका ये जो है, मैं सेम बेसिकली इसको नहीं, बेसिकली हम एल्स इफ में आते हैं, ठीक है? एल्स इफ में आते हैं, ठीक है? अब मान के चलिए यहाँ पर मैं एल्स इफ बनाऊंगा। अब मान के चलिए कि आप जो है लिमिट डाल रहे हो, इस ग्रुप की लिमिट कितने की है, 3 की, और आप यहाँ पर मेंबर्स कितने सेलेक्ट कर लेते हो लाइक 1 2 एंड यहाँ पर 3 हैं, चलो कोई नहीं, अपडेट करने का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास यहाँ पर, चलो मैं एक न्यू ग्रुप ऐड कर लेता हूँ लाइक टेस्ट ग्रुप, ठीक है? एंड यहाँ से मैंने कुछ फाइल सेलेक्ट की समथिंग समथिंग, चेक करते हैं अभी लाइक कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है? एंड लिमिट डाल दी मैंने 1 की, ठीक है? लाइक 2 की डाल देता हूँ, अभी हमारे पास 3 यूजर तो है ही है उसमें। तो यहाँ पर ये मैंने क्रिएट किया तो क्या हुआ, कुछ इशू हो गया क्या इसमें, चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या नहीं। कंसोल डॉट बेसिकली यहाँ नहीं है, एक बार मैं अगेन हिट करता हूँ यहाँ पर, तो API तो हिट हुई है कोई, हाँ पर एरर आ रही है हमारे क्रिएट ग्रुप में, चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रही है हमारे बेसिकली क्रिएट ग्रुप में लाइक क्रिएट ग्रुप स्ट्रिक्ट ओरिजिन टेस्ट ग्रुप, ठीक है? स्ट्रिक्ट ओरिजिन रेफर पॉलिसी, रेस्पॉन्स में कुछ नहीं आ रहा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या हुआ है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है? सॉरी मेरा बेसिकली PHP आर्टिजन सर्व स्टार्ट ही नहीं था और मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर जब से, ठीक है? तो पता नहीं क्या, हाँ दिमाग चल रहा है, ठीक है? चलो मैं एक और न्यू ग्रुप ऐड कर लेता हूँ लाइक अब तो वो ऐड हो जाएगा लाइक टेस्ट ग्रुप, एंड यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ लाइक दिस वन दिस वन, ठीक है? एंड लिमिट 2 मैं सेट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ ग्रुप, एंड यहाँ से ग्रुप क्रिएट हो चुका है टेस्ट ग्रुप, ठीक है? यहाँ पर आपका ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है, अभी ये इमेज नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो वाइट है। एंड यहाँ से देखो अभी मैं मेंबर्स ट्राई करूंगा लाइक यहाँ से मैं 2 मेंबर्स से ज़्यादा ट्राई करूंगा, ठीक है? तो उस केस के लिए हमें यहाँ पर हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लिमिट तो भेज ही रहे हैं अपने फॉर्म के साथ लाइक, अगर आपको पता होगा आप यहाँ से भेज रहे हो ना ये ग्रुप आईडी एंड लिमिट, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये चेक लगाना होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके रिक्वेस्ट मेंबर्स आए, ठीक है, ये जो आपका रिक्वेस्ट मेंबर्स आया, अगर इसका जो काउंट है, ठीक है, इसका जो काउंट है अगर वो ज़्यादा होता है आपके किससे, सॉरी मैंने यहाँ पर ज़्यादा जीरो क्यों कर दिया, ठीक है? अगर वो ज़्यादा होता है किससे आपके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट में कन्वर्ट कर लेंगे अपने लिमिट को, ठीक है? तो डॉलर रिक्वेस्ट क्योंकि वो स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा अपने इंटीजर में, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पार्स इंट यूज किया है, मीन्स इस तरीके से हम पार्स करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है, इंट करके, ठीक है? अगर लाइक ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज भेज देंगे यूजर को कि लाइक यू कैन नॉट सेलेक्ट लाइक मोर देन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ कंकेटिनेट कर देते हैं अपना मैसेज, ठीक है? लाइक डॉलर रिक्वेस्ट लिमिट, ठीक है, यहीं पर जो लिमिट आ रही है उसी को हम भेज देते हैं लाइक मेंबर्स, ठीक है? यहाँ पर ये मैंने क्या मैसेज डाला, यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 मेंबर्स, ठीक है? तो लाइक 2 मेंबर्स या जो भी आपका मेंबर्स चलता रहा होगा, ठीक है, लाइक जो भी लिमिट होगी। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में ये वाला जो नीचे वाला रेस्पॉन्स था वो हम यहाँ पर डाल देते हैं इसके अंदर, एंड यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे बेसिकली एक मैसेज डालेंगे लाइक मेंबर्स एडेड सक्सेसफुली, ठीक है? बाकी आपके मेंबर्स एडेड हो जाएंगे तो लाइक यहाँ पर जो है आपका ये मैसेज जाएगा, तो डेटा नहीं यहाँ पर आएगी MSG नाम की, ठीक है?
अभी यहाँ पर बेसिकली ये आपका फ्लो जो चल रहा है, लाइक अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो अभी हमारी जो कंडीशंस जो है वर्किंग करेंगी। लाइक कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ऐड मेंबर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी ये चला नहीं है या कुछ एरर आई है, चेक कर लेते हैं। लाइक नेटवर्क में जाते हैं, सॉरी एक बार मेरे को ऑप्टिमाइज करना होगा प्रोजेक्ट, तभी मेरा वर्क करेगा ना वो, क्योंकि तो मैंने वहाँ पर जो है राउट क्रिएट कर लिया था बट ऑप्टिमाइज नहीं किया था। तो एक बार मैं फिर अगेन सर्व करूँगा एंड सर्व, अभी मैं जो है यहाँ पर चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंबर्स पर क्लिक करता हूँ, ऐड मेंबर्स करता हूँ तो अभी भी नहीं आया, तो चेक कर लेते हैं अब क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब तो नहीं होना चाहिए था बेसिकली प्रॉब्लम, तो अब चेक करने का काम आ चुका है हमारा। ऐड मेंबर्स पर क्लिक करूंगा, लाइक नेटवर्क में चलता हूँ, सबसे पहले ऐड मेंबर पर क्लिक करता हूँ तो कोई एपीआई नहीं हिट हो रही है। हाँ हुई है बट ये वाली हिट नहीं हुई है। लाइक ऐड मेंबर करता हूँ अगेन क्लिक, नहीं कुछ हिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा क्यों नहीं हिट हो रहा है। ऐड मेंबर फॉर्म चेक कर लेते हैं क्या इशू हो रहा है। ऐड मेंबर फॉर्म यही है। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट नहीं बनाया है क्या? हाँ ये रहा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, सबमिट तो है बट ये चला नहीं है, इसका क्या मतलब है? अलर्ट लगाकर हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है ये। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही हम चेक कर सकते हैं, वरना हम चेक नहीं कर पाएंगे। लाइक यहाँ किसी से भी ओपन कर लेता हूँ। लाइक हाँ अलर्ट चल रहा है आपका बट यहाँ पर आपका आगे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं सक्सेस कॉलन फंक्शन आर ई एस। ठीक है, कुछ एरर तो नहीं आ रही, और एरर तो नहीं आ रही है बट यहाँ पर और भी तो नहीं चल रहा है ना। एड मेंबर एरर, लाइक क्लास है या, ये चेक कर लेते हैं हम, ये क्लास है या आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो ये क्लास ही, तो सॉरी आईडी, और यहाँ पर हमने सही भी किया हुआ है। एक बार हम यहाँ पर अलर्ट लगा लेते हैं कि क्या ये अलर्ट आता है या नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आर ई एस डॉट एम एस जी कर लेते हैं, लाइक एरर की केस में तो हमें यही आना चाहिए। सॉरी हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पर जो है सक्सेस, हाँ चलो यहाँ पर तो सक्सेस आई है, फॉल्स। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट करना है बेसिकली हमें ये। तो आपका अलर्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, मीन्स आपका कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक बार मैं बाहर ही लगा लेता हूँ अलर्ट, तो लाइक यहाँ पर मैंने लगाया समथिंग ये अलर्ट। एक बार हम वेब डॉट पी एच पी में भी चेक कर लेते हैं एड मेंबर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ये आनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम बट आ रही है, तो टेस्ट कर लेते हैं अब और क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। हाँ पता नहीं, न्यू न्यू प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, गेट मेंबर्स वाली ये पे हिट हो रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ अगेन बट ये क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ये चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा। एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, फॉर्म डेटा बना हुआ है डॉलर डॉट एच जेक्स। ठीक है, ऐड फॉर्म ऐड मेंबर। ठीक है, टाइप डेटा, फॉर्म डेटा पास हो रहा है, सक्सेस आपका चल रहा है, सक्सेस कॉलन फंक्शन आर ई एस भी आपका बना हुआ है। यहाँ पर बना तो हुआ है सब कुछ बट हमें यहाँ पर दिक्कत क्यों हो रही है फिर इतनी। यहाँ पर ये भी कुछ नहीं चल रहा है और ना कुछ एरर आ रही है। कंसोल चेक कर लेते हैं एक बार, कंसोल में कुछ एरर तो नहीं आ रही है। एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है डॉलर डॉट एजेक्स था यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। तो अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं, लाइक पता नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी जगह ले लेती हैं। ठीक है, अलर्ट चल रहा है, प्लीज वेट एनी मोर एनी वन मेंबर। ठीक है, अब मैं बाकी अलर्ट्स हटा देता हूँ, अब जो है परफेक्ट चलेगा आपका बेसिकली जो भी वर्किंग है। लाइक मैं इसी के साथ वर्क कर लेता हूँ, फिलहाल मैं एम्प्टी क्लिक करता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं लाइक और ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक 3 मेंबर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर बोलेगा यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 मेंबर्स। ठीक है, लाइक अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर 2 मेंबर सेलेक्ट करता हूँ, वो ऐड तो हो जाएंगे, लाइक मेरे पास मैसेज आ जाएगा बट अभी ऐड नहीं हुए हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो लॉजिक लगाना है वो हमें क्या लगाना है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से ये 2 यूजर्स सेलेक्ट किए। ठीक है, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिए ऐड मेंबर्स कर दिया। ठीक है, मेरे ऐड हो चुके हैं, अपने इसके अंदर आ चुके हैं सपोज करके चलिए। ठीक है, अब मैं दोबारा से ऐड करता हूँ, ये मेरे अनसेलेक्टेड होंगे जो कि हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये सिलेक्टेड आएंगे। बट मान के चलिए हमारे जो सिलेक्टेड भी होंगे या जो हम खुद से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ऐड मेंबर करूंगा तो वो तो यहाँ पर डुप्लीकेसी हो जाएगी कि मैं एक एक यूजर को
डबल बार ऐड कर पा रहा हूँ अपनी ग्रुप के अंदर। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है? या तो देखिए आप अपडेट और क्रिएट करिए, मतलब आपको थोड़ा बड़ा कोड लिखना होगा और उसमें आपकी क्वेरी भी ज़्यादा रन होगी। अगर आप ये चाहते हो कि दो क्वेरी में काम हो जाए तो आप ये काम कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप मेंबर को डिलीट कर दोगे, ठीक है? अभी आपको पता है कि आपके मेंबर है नहीं, बट आप क्या करोगे, सबसे पहले एल्स ब्लॉक आया, सबसे पहले आप उस ग्रुप आईडी के जितने भी मेंबर्स हैं उसको डिलीट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो भी आप सिलेक्टेड रहेंगे या जो भी अनसिलेक्टेड रहेंगे वो आप यहाँ पर करने वाले होंगे, ठीक है? तो कॉलन कॉलन वेयर जो भी आपकी ग्रुप आईडी होगी, ग्रुप आईडी, और उसको हम यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट ग्रुप आईडी, एंड यहाँ से हम कर देंगे उनको डायरेक्ट डिलीट, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे बना रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मेंबर्स आ रहे होंगे उनका फोरिच लूप चलाते हैं और उनको एक एरे में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? लाइक मान के चलिए जो कि हमारे आए डॉलर रिक्वेस्ट एंड मेंबर्स में से हमारे जो है मेंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स एज डॉलर मेंबर, लाइक या मैं यूज़र कर लेता हूँ, यूज़र आईडी, या कुछ भी कर सकते हो, डॉलर यूजर वगैरह जो भी आपको सही लगता है। एक मैंने डॉलर डेटा बनाया जिसमें मैं लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया एक डॉलर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है? एंड मैंने यहाँ पर जो है डॉलर एक्स पास कर दिया इसके अंदर, और मैं इसमें क्या करूँगा, एक एरे बना रहा हूँ जिसमें मेरे को क्या क्या डेटा डलवाना है, ग्रुप आईडी डलवानी है। तो ग्रुप आईडी तो आपको पता ही है, ये मेरी जो ग्रुप आईडी आ रही है वही मेरे इस ग्रुप के लिए बंदे जो हैं ऐड होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ग्रुप आईडी। एंड नेक्स्ट वन इज आपका यूजर आईडी, एंड यूजर आईडी इज बेसिकली क्या है आपका, डॉलर यूजर, ठीक है? तो ये क्या है, बेसिकली आप एक एरे बना रहे हो, मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें आपका बेसिकली मल्टी डायमेंशनल तो नहीं बोल सकता, बेसिकली एक एरे के अंदर चल रहा है, मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो, ठीक है? एरे के अंदर एरे ही होना मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है? तो मैं मेंबर कॉलन कॉलन इंसर्ट करा दूंगा अपना डॉलर डेटा, ठीक है? मीन्स कि हम मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी मेरे पास देखोगे कुछ भी डेटा नहीं है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं एक काम और करना भूल गया हूँ, यहाँ पर डॉलर एक्स प्लस प्लस करना होगा मेरे को, वरना मेरा एक्स लास्ट वाला जो अपडेटेड रहे मतलब जीरो ही पर करता रहेगा, ठीक है? तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन, एंड यहाँ पर अभी कुछ कोई यूजर नहीं है। अभी लाइक मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, लाइक मैंने एक यूजर ऐड किया है राहुल, ठीक है? एंड ये ऐड भी हो जाएगा, देख सकते हो प्रॉपर ऐड हो चुका है। लाइक मैं ब्राउज करता हूँ, ब्राउज भी हो गया, ठीक है? तो थ्री ग्रुप आईडी के अंदर यहाँ पर टू यूजर आईडी जा चुकी है, बट मान के चलिए लाइक मैंने यहाँ पर ऐड मेंबर नहीं किया, तो अभी तो बोलेगा कि प्लीज सेलेक्ट एनी मेंबर, ठीक है? अब आपको ये तो पता ही है कि जैसे ही मैं मेरे मेंबर्स के अंदर कुछ मेंबर्स तो हैं, लाइक मेरे इस मेंबर के अंदर बेसिकली इस ग्रुप के अंदर एक मेंबर है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आना चाहिए था। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल में अभी हमारा जो काम है वो ये है कि कैसे हमें ऐड करने। लाइक मैं यहाँ से अब दो मेंबर्स ऐड करता हूँ, ठीक है? मान के चलिए ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आया था और मैंने यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया और ये मैं ऐड मेंबर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, पहले जो ग्रुप आईडी से रिलेटेड जो भी यूजर्स थे उनको डिलीट करेगा, फिर नेक्स्ट जो हमने ऐड किए हैं वो ऐड कर देगा, ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी आंखों के सामने कि हमने इस ग्रुप आईडी में ये यूजर्स जो है ऐड किए हैं, ठीक है? तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। लाइक मैं यहाँ पर इसके लिए भी ऐड करता हूँ, लाइक इसके लिए मैं तीनों को ही ऐड कर देता हूँ, और इन तीनों को मैं जब जब हर बार ऐड करूंगा तो क्या होगा, हर बार वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है? लाइक यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो तीनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है? अब आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी इसमें है तो उनका ये सिलेक्टेड आना चाहिए, और फिर जो सिलेक्टेड है वो तो आपको पता ही, जैसे हम अपडेट करेंगे तो वो अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।